बोलिए। हाँ, आप करा निकलों में स्वागत है। तो गाइस देखो, ये इतने सारे पुलिस तैनात है। तो है गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज सुमित हियर एंड यू आर वाचिंग यूनिवर्सल एसएसके व्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ इस टाइम पे हजरतगंज में, और पीछे आपको देख के पता चल रहा होगा कि हजरतगंज में मैं कहाँ पे हूँ। तो हजरतगंज में मैं हूँ इस टाइम पे अटल चौक के पास में। तो इस साइड में आपको अटल चौक दिख रहा होगा, तो मैं अटल चौक के पास में हूँ। तो अभी ये पता नहीं क्या बात है ना भाई, यहाँ बहुत सारी पुलिस लगी हुई है, एक बार पूछ लेता हूँ मैं। अभी मैं पूछा हूँ ना एक लोगों से कि क्यों यहाँ पे इतने ज़्यादा पुलिस क्यों थी। लोग बोल रहे हैं कि यार विधानसभा सत्र चल रहा है ना, इसलिए इतने ज़्यादा पुलिस है। एक्चुअली इतना पुलिस होता नहीं वहाँ पे। प्राइस कितना है भैया? 100 रुपीज़ का कोई सा भी। 100 रुपीज़ का कोई सा भी ले सकते हो इसमें। ये देखो, बढ़िया एक ना इंस्पिरेशन मिलती है। दोनों भैया के हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी अपना देखो रोजगार अपना खोल के बैठे हुए हैं। छोटा ही है लेकिन है तो। और भैया से मैं पूछा हूँ भैया खाते कैसे हैं, तो बोल रहे हैं कि सारे घर में है ना खिलाने वाले, तो वो लोग खिलाते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? विशाल दीक्षित। तो ये कितने दिन से यहाँ पर लगा रहे हैं आप? सोलह साल से। अरे वहाँ से यही लगाते हैं। तो भाई देखो यही है लाइफ का सच, ठीक है कि हार नहीं मानना कभी भी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो हार नहीं मानना। तो बस यही, इनसे मिलकर अच्छा लगा दीक्षित से। थैंक यू सर, मिलकर अच्छा लगा आपको। हाथ मिलाएंगे? हाँ। मैं ATM से जब पैसा निकाल रहा था, वहाँ पे एक बंदा था, निकाल कर पैसा वहीं पे गिनने लगा। मैं कहा भाई क्या बात है, ATM पे भरोसा नहीं है क्या तुमको कि ATM ने पूरा पैसा दिया है कि आधा रख लिया है? अजीब है भाई। मीडिया वाले यार, तो उनको क्या बताइए? मीडिया वाले नहीं भैया, हम बताइए ना, कुछ बोले तो बताइए, थोड़ा मजा आ रहा है। अच्छा मजा आ रहा? हाँ हाँ। तब बाबू जी बैठ गया हो? हाँ। यार पुलिस वाले कौन है? हाँ। जब तुमको सवारी ले नहीं जाना है तो सत्तारी में क्यों बैठा रहे हो अपने? हमने कह दिया हमारे गांव दोस्त कह रहे हैं बैठे हैं, तो क्या दिक्कत है? नाता क्यों होगा? नाता तो इसे चलते फिरते बन जाता है, दिल बड़ा होना चाहिए। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ वाजपेयी कचौड़ी भंडार के पास। तो एक्चुअली ये आपको देख रहे हैं ना, ये कचौड़ी भंडार इस टाइम पे 7:30 हो रहा होगा। एक्चुअली इसका क्लोजिंग टाइम है 7:30 बजे। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, तो सुबह में ये ओपन हो जाता है 7 बजे। 7 बजे ओपन हो जाता है और ये बंद हो जाता है रात को 7, 7:30, 8 बजे करीब, ठीक है। और संडे को तो पहले बंद हो जाता है, 3 ही बजे बंद हो जाता है। तो अगर संडे को प्लान कर रहे हो तो 3 बजे के पहले आओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। और लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी भी है, यहाँ पे कुछ लोग हैं और खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। तो अभी मैं वहाँ पे चलता हूँ और देखता हूँ कि कैसा है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है ये, अगर आपको आना है तो बस आप चले ना। और बाकी जो है कि आप डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जैसे कार्तिक आर्यन भी आए थे यहाँ पे, इनका मतलब स्वाद चखने के लिए। अंकल की स्किन ग्लो कर रही है, ये भी लोग खाते हैं, ये ग्लो कर रहे हैं, ये इतने बड़े से खा रही है ना, इतने छोटे थे तब से खा रहे हैं। चलो अभी खाते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस ये है अपना वाजपेयी कचौड़ी भंडार, और अभी जो है कि मेरा कैमरा भैया पकड़े थे, तो थैंक यू भैया आपको। इससे पहले ना कि यहाँ पे सारे खत्म हो जाए तो अपन आ जाते हैं पूड़ी कचौड़ी। हाँ, पूड़ी कचौड़ी, खस्ता, भटूरा, छोला, चावल, चार आइटम रहते हैं। चार आइटम रहता है। तो अभी इस टाइम पे कितने आइटम है? बंद होने का टाइम है। तो इस समय पूड़ी कचौड़ी मिलेगी, पूड़ी कचौड़ी सिर्फ मिलेगी, खस्ता खत्म, भटूरा खत्म, हाँ, छोला चावल लास्ट। यहाँ पे 12:30 से 4:30 बजे तक एक लाइन में 40 लोग खड़े रहते हैं। देख लो भाई कितने ज्यादा यहाँ पे, समझ लो ना इस लाइन में पूरे लंबी तक लाइन लगी रहती है, ठीक है। टाइमिंग मंडे टू सैटरडे सुबह 7 से शाम के 7:30। सेलिब्रिटी कोई कौन कौन आया यहाँ पे? गुलशन कुमार आ चुके हैं, अनुपम खेर आ चुके हैं, बाकी जा चुकी है, प्राइम मिनिस्टर को भी जा चुकी है जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। अरे वाह क्या बात है, कचौड़ी एक प्लेट अभी 30 रुपए की। और कितने पीस रहेंगे उसमें? 2 पीस रहते हैं, आलू छोला साथ में रहता है। अच्छा 2 पीस रहते हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, कभी कभी आते हैं, बढ़िया लगता है ना ये? हाँ बढ़िया लगता है भाई, बहुत अच्छी।
कुमार ऐसे हैं जो 5-6 साल के थे, अब उनकी उम्र हो गई 50 साल। क्या है कि मतलब सारे लोग आप ही के पास आते हैं, ऐसा क्या आप बनाते हैं, इसमें क्या डाल देते हैं? ऐसा इसमें क्या है कि हम अपने मसाले बनाते हैं, हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं उसको। आलू है, छोला, उसमें अपना स्पेशल मसाला बनाते हैं, गरम मसाला। 30-32 खड़े मसालों को पीस करके एक अलग मसाला बनता है। और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तेल से लेके आटा और जो भी रॉ मटेरियल होता है अच्छा इस्तेमाल करते हैं। आप ये 2 पीस खा लोगे आपका पेट भर जाएगा। आज के टाइम में 30 रुपये में आपको कहाँ ऐसा सामान मिल जाएगा। सही बात, 30 रुपये हम दो लोग खाएंगे। ये कह रहे हैं 30 रुपये हम दो लोग खाएंगे। बहुत अच्छा था, हम लोग डेली खाते हैं। डेली खाते हो? हाँ। नाम बहुत सुना हूँ इसका। अरे नाम ये ब्रांड है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रस होता है, तो इतना खाली खाली दिख रहा है क्योंकि अभी ना क्लोजिंग वाला टाइम आ गया है, तो अभी बंद होने वाला टाइम है। नहीं तो यहाँ से पूरी भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है, बहुत दूर तक लाइन लगी रहती है। तो मैं क्लोजिंग टाइम पे आया ना, अभी बंद होने वाला है, लेकिन बंद होने के टाइम पर भी आप सोचो कितने हैं। बोले भैया कि लंच बोले भैया कि लंच टाइम पर अगर आप आओगे ना तो बहुत ज़्यादा रस मिलेगा यहाँ पर। तो चलता हूँ, खाता हूँ और आप लोगों को दिखाता भी हूँ। आलू की सब्ज़ी, मसाले, गरम मसाले, काली मिर्च, ये सब जो स्पेशल मसाले। ये छोले की सब्जी, ये छोले की सब्जी, आलू डालते हैं, छोला डालते हैं, आलू और छोले, ठीक है। फिर इसके नीचे कागज लगता है, यहाँ पे प्याज पड़ गया, ये अपना सैलेड प्याज पड़ गया, फ्राइड मिर्चा होता है, फ्राइड मिर्चा हो गया, और साथ में ये हवी होती है, थोड़ी पूड़ी कचौड़ी बोलते हैं, ये कचौड़ी पूड़ी जो भी है बोल सकते हैं, कचौड़ी जो आप बोल लीजिए। तो भाई ये जो छोले है ना, थोड़े से ना स्पाइसी ज़्यादा है, देखो बहुत ज़्यादा तीखे हैं यार। तो आपको स्पाइसी पसंद है ना तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखे हैं तो मेरे को उतना ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है। आगे सब जो है कि यहाँ पे एक रिव्यू लेते हैं, भैया मेरे को मिले हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? आशीष अवस्थी। आशीष जी, और आपका? संतोष। तो आप 2000 से यहाँ पे आए? 2000 आए, यहाँ एक कप्पे होता था, एक बाबा जी बैठते थे। हाँ, तब से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, कैसा यहाँ का लगता है आपका? बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी। आप क्या बोलेंगे? बोलना है जब लखनऊ आइए तो वाजपेयी पूरी जरूर खाइए। तो जब भी लखनऊ आइए तो भैया का कहना जरूर मानिए कि आइए जरूर यहाँ पे वाजपेयी कचौड़ी भंडार के पास, ठीक है। अभी मैं अपना रिव्यू बताता हूँ कि देखो मैं जो है कि स्पाइसी उतना खाता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्पाइसी है कि मैं जहाँ भी खाया हूँ ना उससे जो है कि मुझे बेटर यहाँ पे मिला है। तो आप भी आ सकते हैं, यहाँ पे खा सकते हो, सबका अपना अपना स्वाद है, अपना अपना पसंद है। जब भी मैं आ गया हूँ लवलीन मार्केट के अंदर, ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे ना, एक भाई साहब है उनसे थोड़ा सा मिल लेता हूँ। मैं सोचा कि चलो भाई साहब से मिल लूँ। तो ये लक फैशन वियर है, बढ़िया। तो क्यों यहाँ पे शिफ्ट कर दिया भैया? सर वहाँ तो थोड़ी दिक्कतें थी। हाँ, और रेंट वेट ज़्यादा था, काम वाम ठीक नहीं था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। हाँ। और सस्ती चीज़ें यहाँ पे क्वालिटी बिकती है, तो यहाँ पे अच्छी शॉप चल रही है हमारी। हाँ, यहाँ पे क्वालिटी के पैसे भी मिल जाते हैं, कस्टमर भी अच्छे आते हैं, ट्राई करना चाहते हैं कपड़े, तो यहाँ पे आप आ सकते हो भैया। क्या तो ये जो नंबर है इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, जो नंबर दिया है, ठीक है। जब मेरे को देख रहा हंस रहा है, क्यों भाई? Why are you laughing bro? पता नहीं, मैं क्यों निकल जा रहा है, मैं जोकर लग रहा हूँ, देख लो भाई मेरे को भी देख लो। हैं, मैं ऐसा तो नहीं लग रहा हूँ जोकर जी, मेरे को बार बार देख के हंस रहे हैं। नहीं जोकर नहीं हो, अंदर अंदर यही बोला जोकर। इसको भी लो भाई, ये देखो ये मेरा फोटो लिया, भाई भाग रहा है।
इतना बढ़िया फोटो ले लिया कि भाग गया। बाकी लोग ऐसे मुंह घुमा के बैठेंगे ना, ऐसे लगेगा मुंह देख लूंगा तो उल्टी हो जाएगा। तो बस यही था आज का वीडियो। तो हंसते रहो, हंसाते रहो, जहाँ भी रहो तहलका मचाते रहो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर। गणपत बजाना काय को बंद किया।